अगर आप रोज की वही रेगुलर सब्जियां खाकर यदि बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कि कोई नई मजेदार और चटपटी सब्जी ट्राई करें, तो आइए हम आज बनाते हैं खसखस की सब्जी, जिसे हम पॉपी सीड्स या पोस्तो की सब्जी भी कहते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू सावजी स्पेशल चैनल। आज हम बना रहे हैं खसखस की सब्जी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 50 ग्राम खसखस, जिसे हम लगभग 2 घंटे पानी में भिगोकर रख लेंगे। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप इसे कम से कम आधा घंटा ज़रूर भिगा कर रखें। लगभग 2 घंटे बाद इसे हम छान लेंगे। अब इस खसखस को हम बारीक पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए आप मिक्सर का यूज कर सकते हैं, मगर मैं खसखस को यहाँ सिल्वर टिप पे पीस रही हूँ। जिसे हमें इस सब्जी का ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक टेस्ट मिले। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। बस मिक्सर में पीसते समय थोड़ा पानी डालकर और इसे बारीक पीसे। खसखस पीस कर रेडी है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। पीसते समय सिलबट्टे को चिपकी हुई खसखस को भी हम थोड़ा पानी डालकर दूसरे एक बाउल में निकाल लेंगे, जिसे हम बाद में सब्जी में यूज करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल लेकर उसे गर्म करेंगे। तेल गर्म होने पर उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई। राई के चिटकने पर उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 7 से 8 कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा हरा धनिया। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे हमें अच्छे से पकाना है। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। इस पेस्ट को हमें कच्चा स्वाद जाने तक भूनना है। लगभग 2 से 3 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर और 2 मिनट तक पकने दें। टमाटर के पकने के बाद हम इसमें डालेंगे पीसी हुई खसखस। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और ढककर लगभग 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। लगभग 5 मिनट बाद यह पानी, जिसे खसखस के पीसने के बाद हमने दूसरे बाउल में निकाल कर रखा था, उसे भी इसमें डालकर मिक्स कर लें। अगर खसखस की सब्जी आपको ड्राई पसंद है तो लगभग 2 मिनट पकने के बाद गैस बंद कर लें। खसखस की सब्जी तैयार है। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें 1/2 ग्लास पानी डालकर लगभग 5 मिनट पकने दें। लगभग 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं साइड से ऑयल दिख रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी सब्जी तैयार है। अभी हम हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिला देते हैं। इसे हम सर्व कर लेंगे। आप इसे चावल, रोटी या भाकरी के साथ एंजॉय करें। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सावजी स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करें।